subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, दोस्तों अगर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से आईफोन की तरह स्मूथ स्लो मोशन वाली वीडियो फास्ट वीडियो 60 fps में एडिट करना चाहते हो, मेरा मतलब है कि पूरे के पूरे दोस्तों शेकिंग इफेक्ट आपकी वीडियो में नहीं आएगा। सो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको स्मूथ का ऑप्शन मिल जाता है और इजीली दोस्तों आप किसी भी वीडियो को स्मूथ में कन्वर्ट कर सकते हो और आपकी वीडियो फुल HD फुल 4K में सेव एक्सपोर्ट भी हो जाने। जी हाँ दोस्तों, बहुत से दोस्तों के पास कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे जिसके बाद दोस्तों आपकी जो स्लो मोशन वाली वीडियो थी वो दोस्तों शेकिंग इफेक्ट में आ जाती है, पर आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी कोई भी वीडियो शेकिंग इफेक्ट में नहीं आएगी, आपकी वीडियो मुकम्मल स्लो मोशन में आ जाएगी स्मूथ तरीके से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल के कोई वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाइयों, आपके एक लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं, आपके वाइक का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि सभी एंड्रॉइड पर मोबाइल पर वर्क कर लेते हैं। कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन देने वाला हूं इसके मुकम्मल फ्यूचर मैं आप लोगों को दे दूंगा। जो भी एप्लीकेशन आपको पसंद आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से करें। तो चलिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं दोनों एप्लीकेशन कौन से हैं। दोस्तों हम अपने मोबाइल में आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने आप दोस्तों को दोनों एप्लीकेशन बताने हैं जो सबसे बेस्ट स्लो मोशन वाली वीडियो आप इससे एडिट कर सकते हो। दोस्तों दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से कर देना है। पर डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को दोस्तों आपने लास्ट तक देख लेना है ताकि आप दोस्तों को अच्छी तरह पता चल जाए और सेटिंग आप कर सको, तभी दोस्तों आप स्लो मोशन वाली वीडियो एडिट कर पाओगे। सो सबसे पहले मेरे पास जो एप्लीकेशन मौजूद है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है टाइम कार्ड। दोस्तों बेस्ट एप्लीकेशन है, मैं इसको अक्सर यूज कर लेता हूं। यहां पर फ्रेम रेट चेंजर आपको मिल सकता है, स्मार्ट मोशन ब्लर आपको मिल सकता है और प्रो दोस्तों प्रो स्पीड यहां पर आपको मिल जाता है। तो यहां पर आपके पास जो भी वीडियो है, आपको जो भी वीडियो आप स्लो मोशन में कन्वर्ट करना चाहते हो सो दोस्तों वो वीडियो दोस्तों आपने पिकअप कर देने हैं। जैसे कि यहां पर मैं आप लोगों को जस्ट सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वीडियो को यहां पर पिकअप कर लेता हूं। जैसे कि मेरे पास ये वाली वीडियो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक सिंपल सी वीडियो है जिसका मैंने स्लो मोशन कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। अब चलिए हम इसमें टिक मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर टिक टॉक का साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो अब आपने क्या कर देना है, जितना भी आप इसको स्लोमो करना चाहते हो तो दोस्तों आपने ये वाला कर देना है और नीचे दोस्तों आपको बटन नज़र आ रहा है ऑप्टिकल फ्लो, अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो दोस्तों आपकी जो वीडियो होगी वो स्मूथ में आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी वीडियो ऐसी स्मूथ में नहीं आ रही है तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ स्लो मोशन आ चुकी है। अगर नहीं आ रही है इस ऑप्शन से तो आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपकी और भी वीडियो दोस्तों स्मूथ स्लो मोशन में आ जाएगी, वरना ये ऐसे ही ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर कस्टम भी कर सकते हो, वो अपनी मर्जी से आपकी मर्जी है, जिस तरह आप चाहो तो आप यहां से भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से स्मूथ स्लो मोशन और फास्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहां पर और बीट ऐड करना चाहते हो तो आपने सिंपल सा बीट प्लस पे क्लिक कर देना है और इस तरह दोस्तों आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और भी ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है टेम्पलेट, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ट्राई आउट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी वीडियो होगी जिससे फास्ट करी ये वाली वीडियो है जो मैंने अभी पिक की थी तो दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये दोस्तों आपकी वीडियो भी इस तरह बन जाएगी। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर दिखाने वाला हूँ, तो सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से यहाँ तक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो ऐड हो जाएगी। अभी आपने देख लेना है यहाँ पर अगर आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर सेट पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट कर देना है तो दोस्तों आपके इस वीडियो पर यह भी सेट हो जाएगा। सिंपल सा आपने थोड़ा सा वेट कर देना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम देख लेते हैं हमारी वीडियो किस तरह बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों हमारी वीडियो का ये कमाल का लुक आ रहा है हमारी वीडियो में। तो इस तरह वीडियो बनाने के लिए आपने यहाँ पर दोस्तों सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप फुल HD में भी सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। चलिए सेकेंड वन पर हम चले जाते हैं और कौन सा वाला है दोस्तों वो तो आप लोगों को पता है VSCO जो बेस्ट है, पर बहुत से दोस्तों के पास ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहे थे तो इस हवाले से यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इस वीडियो को इम्पोर्ट करूँगा, यहाँ से हम जाएंगे प्लस पे और यहाँ से स्पीड पे जाएंगे। स्पीड पे जाने के बाद दोस्तों हमारे पास ये वीडियो आ चुके हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर स्मूथ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो सिंपल से स्मूथ में आ जाएगी, जिसके यहाँ पर आप दोस्तों को सबको पता है इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप स्मूथ स्लो मोशन ऐड कर सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत से दोस्तों के पास ये ऑप्शन नहीं आ रही थी तो उस वजह से मैंने आप दोस्तों को सेकेंड वन एप्लीकेशन रिकमेंड कर दिया। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रही है तो उसमें जो VSCO है वो सबसे बेस्ट है, उसको आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आप एडिटिंग
शॉपिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। आपको कौन सा वाला ज़्यादा एप्लीकेशन पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।